अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद सईदा। आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ क्रंची सामन बैटर फिश। इसका बैटर मैं अलग से तैयार करूँगी और इसमें डिप करके हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे सामन फिश 1 kg, 1/4 teaspoon नमक, 2 tablespoon लहसुन पेस्ट, 1/4 teaspoon काली मिर्च। अब आप फिश को काट लें, आप अपने हिसाब से जितने इसके पीसेस बनाना चाहते हैं आप बना लें। मैं दरमियाने साइज़ के पीसेस बना रही हूँ, ये देखिए, ये मीडियम साइज़ पीसेस बना रही हूँ मैं। इस तरह आप काटते जाएं, चाहे तो आप इनकी स्किन सारी नीचे से भी उतार दें। ये देखें कितने अच्छे पीसेस ये कट गए हैं और ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं हुए। आपकी मर्ज़ी है, आप इसकी स्किन उतार के करें या स्किन रहने दें। इसके ऊपर मैं लहसुन पेस्ट लगा रही हूँ ताकि इससे जितनी जो स्मेल है मछली की वो ख़त्म हो जाएगी, और नमक और मिर्च इसलिए लगा रही हूँ ताकि जितना पानी है वो ड्राई हो जाए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ़िश मैं फ्रिज से निकाल लाई हूँ, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने डालना है इसमें 2 tablespoon चिली सॉस, 1 tablespoon सुर्ख कुटी मिर्च, 1 tablespoon ऑयल, 1/2 teaspoon नमक, येलो फूड कलर ले लें चुटकी भर, 1/2 teaspoon काली मिर्च पाउडर और 2 tablespoon बेकिंग पाउडर। और यहाँ मैंने कुछ सामन फिश के जो पीसेस हैं वो मीडियम लिए हैं और कुछ जो है ना मैंने स्मॉल लिए हैं। 1 cup मैदा ले लिया है, 1 cup पानी ले लें। अब मैदे को बाउल में डालें और जितनी भी चीज़ें थीं हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। बेकिंग पाउडर डालें, सुरकुटी मिर्च, काली मिर्च, नमक और कलर, फूड कलर और ऑयल डाल के, चिली सॉस। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और अगर आपको लगे कि ये सख्त बन रहा है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दें। हमारा परफेक्ट बैटर तैयार हो चुका है और इसी में हम फिश को डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। जी, यहाँ पर मैंने 1 cup मैदा ले लिया है और इसमें मैंने 1/2 teaspoon नमक और 1/2 teaspoon काली मिर्च को डालूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। अब फिश का एक पीस उठाएं और मैदे के अंदर इसको अच्छी तरह कोट करें, ये देखिए इस तरह, कि मैदा फिश के ऊपर हर तरफ लग जाए। इसी तरह दूसरे को भी आपने ऐसे ही करना है और सबको करते जाना है। ये देखिए, एक दफ़ा मैं इनको कोट कर चुकी हूँ, अब इनको मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद। ये डबल कोट हो चुके हैं। ऑयल गर्म कीजिए, इसमें थोड़ा सा लिक्विड डाल के देखेंगे, अगर बबल बनना शुरू हुए तो ये बिल्कुल सही तरह गर्म हो चुका है, ये देखिए। अब फिश लीजिए, लिक्विड में इसको डिप कीजिए, अच्छी तरह इसको डिप करें और ऑयल में डालते जाएं। अब आपने फ्लेम लो मीडियम पे कर देना है, तेज़ हीट नहीं होनी चाहिए। जितने पैन में गुंजाइश है आप उतना ही डालिए। यहाँ मैं आपको टिप दे रही हूँ, अगर आपकी फ़िश जो है वो नीचे लग जाती है तो आप जब भी फ़िश को डालें लिक्विड में डिप करके या ऐसे ही बना रही हूँ आप खाली मसाला डाल के, आप क्या करें कि पैन को लेफ़्ट और राइट घुमाएं, उसके बाद आपकी फ़िश कभी नीचे नहीं लगेगी। ये एक तरफ से पक चुकी है, अब मैं इसको टर्न करती हूँ। इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, हीट तेज़ नहीं रखनी आपने। आठ से दस मिनट में हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको अब हम निकाल लेंगे। याद रहे कि हमने इसका ऑयल खुश्क कर देना है, ऑयल नहीं होना चाहिए इसमें। जो मेरे पास थोड़ा सा बैटर बच गया है उसके लिए मैंने आलू के चिप्स काटे हैं और उसमें लिक्विड में डाल के उनको फ्राई कर रही हूँ। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, ये क्रिस्पी चिप्स की तरह बन जाता है।
ये देखिए क्या मज़ेदार किस्म के आलू के चिप्स हमारे तैयार हो गए हैं। इसमें से अच्छी तरह ऑयल निकाल देंगे जी। ये देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म का जो है प्लेटर तैयार हो चुका है। बहुत लाजवाब किस्म की इसमें से खुशबुएं आ रही हैं, और इनकी स्किन चेक करें कितनी क्रंची लग रही है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। इसका मैं ये पीस लेती हूँ और आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए फिश का एक एक जो पीस है वो अंदर कैसे पक चुका है। इसके साथ मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ रखी हैं, पुदीने की चटनी, धनिए की चटनी और केचप। साथ आप सलाद भी रख सकते हैं। साथ ये चिप्स जो मैंने बनाए थे ये देखिए कितने मज़ेदार किस्म के बने हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।